तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो वुमेन्स बिग बैश लीग है उसका 14वां मैच जो कि खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में। तो भाई जो ये वुमेन्स का मैच है इसमें भाई आप काफ़ी अच्छी जैकपॉट विनिंग कर सकते हो। और इसके क्या क्या रीज़न है कि ये मैच आपके लिए इतना बड़ा जैकपॉट हो सकता है उसके मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा। साथ ही भाई सारे प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, हेड टू हेड मैचेज की, वेन्यू की, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी वो रहेगी भाई वेदर, वेदर यहां पर कैसा रहेगा क्योंकि आज भी भाई यहां पर मतलब चार मैच में से तीन मैच बारिश की वजह से मतलब नो रिजल्ट में एंड हुए और दो मैच में तो यार टॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी यार इस ग्राउंड पे मतलब मैच रखने गलत है। देखो अब यहां का वेदर अगर देखो तो कल यहां का वेदर काफी अच्छा, कल अगर शुरू के एक घंटे को छोड़ दे तो उसके बाद भाई काफी अच्छा वेदर यहां पर रहने वाला है, ठीक है। और यहां पर अब धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई जो टेलीग्राम चैनल है ना वो आप ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो फाइनल अपडेट होती है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लेकिन चलिए बात करते हैं अब इस मैच की और आपको देता हूँ रीजन की क्या रीजन है जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये मैच आपके लिए इतना बड़ा जैकपॉट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप भी वीडियो को स्टार्ट करो भाई लाइक करने के साथ। तो चलिए अब बढ़ते भाई वीडियो में आगे। और अगर बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो आप देख सकते हो यहाँ पर 23 अक्टूबर यानी कि यार मतलब 23rd नहीं 24th अक्टूबर आएगा ये, ठीक है। 24th अक्टूबर को मैच खेला जाएगा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से भाई, मॉर्निंग में सुबह एक मैच खेला जाएगा ये 4:45 पर, ठीक है। और अगर बात करें भाई यहाँ पर सबसे बड़े जैकपॉट का पहला रीज़न तो यहीं पे आपको मिल गया क्योंकि भाई अगर आप अभी से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखोगे ना, अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हो तो अगर आप अपने कॉन्टेस्ट अभी से ज्वाइन करके रखोगे ना, जैसे छोटे कॉन्टेस्ट लगाना आप 15 रुपये वाले, 25 रुपये वाले, 35 रुपये वाले, तो ऐसे कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि बंदे मतलब लगा लेते हैं लेकिन भाई वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाते। तो आपके काफी कॉन्टेस्ट जैसे आप मान लो 100 कॉन्टेस्ट लगाते हो 15 वाले, ठीक है, तो यहां पर आपके 1500 रुपए इन्वेस्ट हुए। और अगर भाई बात करें तो मैं जैसे जब भी ऐसा ट्राई करता हूँ ना, और भाई सेम टाइम पर कभी सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन मत करना, बीच में गैप दे, जैसे 5 कॉन्टेस्ट आपने ज्वाइन कर लिए उसके बाद 10 मिनट का गैप दे दो, फिर 5 ज्वाइन करो, फिर 10 मिनट का गैप दे दो, फिर भाई 20 कॉन्टेस्ट फिर से ज्वाइन कर दो, ऐसे करके आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो मैं जब भी ऐसे करता हूँ ना तो ये मान लो 100 में से मेरे पास 20 तो ऐसे मतलब एड टू एड के मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, 20 ओपोनेंट ऐसे आते हैं जो भाई मॉर्निंग में टीम ही चेंज नहीं कर पाते और कभी कभी तो क्या होता है उनके कैप्टन वाइस कैप्टन मैच में खेल तक नहीं रहे होते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ एक तो आपके लिए ये रीज़न है कि जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग में मैच जल्दी शुरू हो रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं भाई पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छी विकेट है बैटिंग बॉलिंग यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए। और अगर भाई बात करें यहाँ पर मतलब बैट्समैन को फेवर करेगी लेकिन भाई आज पूरे दिन बारिश हुई है तो कल ये थोड़ा सा मतलब जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको हेल्प कर सकती है, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रख लेना। वेन्यू की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनवर्मे पार्क रहने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्सेस्टन का एक ग्राउंड रहने वाला है जहाँ पर भाई आज भी मैचेज खेले जाने थे लेकिन क्या करें बारिश की वजह से मैचेज हो नहीं पाए। वेन्यू के रिकॉर्ड की बात करें तो ये भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से 47 मैचेस टोटल खेले गए हैं, 26 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 21 मैचेस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया। एवरेज स्कोर की बात करें तो भाई 160 से 170 का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर भाई यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट का है लेकिन भाई ये मैंस वाले ब्रिस्बेन हीट का है और भाई ये 212 रन पर 3 है। और अगर बात करें यहाँ पर मतलब जो लोवेस्ट स्कोर है तो वो आप देख सकते हो मेलबर्न का है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रख लेना। स्कोरिंग पैटर्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ये जरूर देख लेना। यहाँ पर 8 बार भाई 150 से नीचे का स्कोर बना, 18 बार भाई 150 से 170 के बीच में स्कोर बना, 14 बार भाई यहां पर आप देख सकते हो 170 से 190 के बीच का स्कोर बना। और बात करें सबसे मतलब जो हाईएस्ट स्कोर जिसमें बनते हैं और 190 प्लस का स्कोर 7 बार बना है। अगर बात करें दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की, ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स ने यहां पर आप देख सकते हो 9 मैच जीते, अगर टोटल 13 मैच की बात करें तो भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स ने यहां पर भाई सिर्फ 4 मैच विन किए, तो पलड़ा एक तरफा आप देख सकते हो यहां पर भारी है। और अगर इसी साल की बात करें तो 3 मैच हुए जिसमें से भाई 2 मैच ब्रिस्बेन हीट ने विन किए, तो ये भी आप देख सकते हो। अब भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स की जो लास्ट मैच की प्लेइंग 11 रही थी और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रही थी वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं कि जो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल है ना वो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पर भाई आपको फाइनल अपडेट मिलने वाली है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आप देख सकते हो और भाई काफी जैकपॉट हमारे मैचेस जा रहे हैं जो आज के
वर्ल्ड कप के दोनों मैचेस थे ना, एक तो मैच खत्म हो चुका और दूसरा मैच भाई अभी चल रहा है, उसमें आप देख सकते हो पहले में पहले वाले मैच में भी जैकपॉट विनिंग हुई, उसमें हमारे मैक्सवेल कैप्टन थे, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर इस मैच की, तो भाई मैंने यहाँ पर देखो क्लियरली बोला है, मैंने ऑप्शन 3 दिए थे लेकिन मैंने बता दिया था क्लियरली कि मेरा कैप्टन मोइन अली होने वाला है। और अभी भाई मोइन अली 2 विकेट निकाल चुका है और अभी उसकी बैटिंग आनी बाकी है, साथ ही मेरे वॉइस कैप्टन बटलर की बैटिंग आनी बाकी है। बाकी जो रसल है, रसल को जिसने भी कैप्टन बनाया, मेरे ओपोनेंट है ना, उनमें से 80% आप देखना, मैं रिजल्ट शेयर करूँगा आपके पास थोड़ी बहुत देर, मतलब मैच खत्म होने के बाद आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो आप देखना मेरे ओपोनेंट्स के 80% ओपोनेंट्स की कैप्टन है रसल, और भाई 0 रन पर आउट हो चुका बंदा, ठीक है। अब बॉलिंग में अगर ये मान लो 2-3-4-5 विकेट ले जाए तो भाई वो एक अलग चीज है, बाकी बैटिंग में तो इसने कुछ खास किया नहीं और हमारा मतलब रिस्क कामयाब रहा, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं भाई, जो फाइनल अपडेट होती है ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अब बात करते हैं भाई यहां पर दोनों टीम्स के मतलब लास्ट मैच की प्लेइंग 11। सबसे पहले एडिलेड की बात करते हैं, तो बात करें नेवर नेकर की, तो आप देख सकते हो इसने 29 रन बनाए प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी में, भाई यहाँ पर विकेटलेस रहे लेकिन गेंदबाजी भाई लगातार डाल रहे हैं तो आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। अगर बात करें कैटी मैक की, तो इसने भाई 13 रन बनाए। वॉलवार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो 36 रन बनाए। जो कैप्टन है टीम की ताइलर मैकग्रैथ, आप देख सकते हो इसने 50 रन बनाए प्लस भाई 4 ओवर की कंप्लीट गेंदबाजी की है, हालांकि विकेटलेस रहे हैं लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला कैप्टन वॉइस कैप्टन, क्योंकि भाई यहां पर देखो परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और सबसे बड़ी बात भाई 4 ओवर कंप्लीट डाल रही है तो कभी ना कभी तो 1-2 विकेट भी निकालेगी और रन तो भाई ये बनाई रही है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखा करो। अगर बात करें भाई यहां पर पैटरसन की, तो इसकी बैटिंग आई नहीं ना ही भाई मतलब यहां पर पैना की बैटिंग आई, तो इन दोनों की बैटिंग आई नहीं क्योंकि भाई इन्होंने मतलब सिर्फ इनके 2 विकेट गिरे थे, तो ये आप देख लेना। और अमांडा वेलिंगटन की बात करें तो 4 ओवर गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला। इसके अलावा भाई टाइगर मैकफेरिन की बात करें तो इनकी भी बैटिंग बॉलिंग नहीं आई, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन मिलेंगे। और भाई इनकी बैटिंग बॉलिंग आओ चाहे ना हो, ये आपके लिए फिर भी सिर्फ ग्रैंड लीग प्लेयर रहेंगे, क्योंकि स्मॉल लीग में पता क्या है यार, इतनी नीचे बैटिंग आएगी नहीं, और आएगी तो भी भाई मतलब क्या गारंटी कि यार ये मान लो जब ऊपर से कोलैप्स होके आएगा तो ये मतलब आपको स्कोर करके दे ही देगी, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। और अगर बात करें भाई सारवा कोटे की, तो आप देख सकते हो सारवा कोटे ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और भाई इनफॉर्म मतलब बॉलर है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखे जा सकती है। जैमा बार्सबाई की बात करें तो 2 ओवर की गेंदबाजी में यहाँ पर 1 विकेट निकाला है। भाई अगर बात करें डार्सी ब्राउन की, तो 4 ओवर में काफ़ी कम रन दिया, साथ ही विकेट भी निकाला, ठीक है, शायद भाई 17 या 19 रन दिए थे इसने। अब बात करते हैं भाई ब्रिस्बेन हीट की, तो इनकी ये भी भाई अपना एक बात यार मैं आपको बताना भूल गया, दोनों टीम है ना अपना लास्ट का मैचेस विन करके आ रही, तो दोनों टीम में कॉन्फिडेंस काफी हाई रहने वाला है। और ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेस हैरिस की बात करें तो भाई 34 रन प्लस 3 विकेट, स्मॉल लीग में प्लस ग्रैंड लीग में दोनों जगह कैप्टन वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें रेडी मैना की, तो इसने भाई 59 रन बनाए, विकेट कीपिंग सेक्शन मिलेगी और ओपनिंग कर रही है तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। जॉर्जिया वॉल की बात करें तो 24 रन बनाए। लोरा किमिंस की बात करें तो 9 रन बनाए। इसके अलावा एना बोस की बात करें तो भाई रन सिर्फ 3 बनाए और भाई 1 ओवर की गेंदबाजी की, हालांकि हर मैच में 2 से 3 ओवर गेंदबाजी डाल रही है लेकिन इस मैच में 1 ही ओवर गेंदबाजी की। इसके अलावा बात करें मिकाएला इंकले की, तो आप देख सकते हो 2 रन बनाए। जोनासन की बात करें तो 19 रन प्लस भाई 1 विकेट इसने निकाला है। और अगर बात करें भाई नदीना डी क्लैक की, तो आप देख सकते हो 1 ओवर गेंदबाजी में विकेटलेस रहे। जॉर्जिया प्रेस्टविज की बात करें तो आप देख सकते हो 1 विकेट 2 ओवर गेंदबाजी में इसने निकाले, ठीक है। और भाई यहां पर अभी मैं आपको डेमो टीम भी देने वाला हूं और वो भी भाई आप जरूर देख लेना, साथ ही हमारी फाइनल टीम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और निकोला एंको की बात करें तो भाई इनका सिलेक्शन परसेंटेज लास्ट मैच में काफी कम था, अभी मैं दिखाऊंगा, जितना मतलब मेरे को लग रहा है, मेरे को याद है उतना मैं आपको बता रहा हूं, कंफर्म मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हाँ भाई बिल्कुल कम ही था, ठीक है। बाकी मेरे को जितना मैंने देखा है उतना शायद इसका कम था, अब ये नहीं पता जिस मैच की मैं बात कर रहा हूं उसमें कम था या उससे पिछले वाले मैच में कम था, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। निकोला एंकोक ने 3 विकेट निकाले। इसके अलावा बात करें पूनम यादव 2 विकेट निकाले और काफी अच्छे स्पिनर आपको प्रॉफिट करवा के दे सकते हैं ग्रैंड लीग में, आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो पूनम यादव स्पेशली, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई यहां पर ड्रीम 11 की मतलब टीम की, तो एक डेमो टीम मैं आपको देने वाला हूं जो कि 2-3-4 मेंबर के लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से भाई रेड मैन है मतलब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर टीम एफ्रिलिन की बात करें तो इन्हें सिर्फ आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना। एल वॉलवार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, एन ए पोस्ट को आप ट्राई कर सकते हो, 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग कर रही है और कभी कभी 2-2 ओवर की गेंदबाजी भी कर रही है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा भाई वी पैटरसन की बात करें तो इनको आप ट्राई करना, के मैक को आप जरूर ट्राई कर लेना। जॉर्जिया वॉल भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहो तो जॉर्जिया वॉल के साथ जा सकते हो, ठीक है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक होने वाली है इस मैच में। और जैस जोनासन भाई बेस्ट मतलब स्पिनर और मतलब
बैट्समैन ठीक है, बैट्समैन तो चलो ठीक ठाक ही है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डी वन नेकर की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। जी यार इसको ट्राई कर लो, टी मैग्राथ को ट्राई कर लो, ठीक है। इसके अलावा भाई एम पेना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया, लेकिन अगर बात करें उससे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला जिसमें सिर्फ 6% सिलेक्शन था, इसमें भाई 55 पॉइंट इसने ले रखे हैं। बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो यहाँ से आप देख सकते हो ए वेलिंगटन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूनम यादव इंपॉर्टेंट है, और भाई यहाँ से आपके लिए अब क्रेडिट इशू फिर से बन गया। ड्रीम इलेवन की यार यही दिक्कत है, बेस्ट टीम बनी नहीं पाती, अब फिर से एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जी यार इसको ड्रॉप कर लो यार, पर क्या करें यार, सारे प्लेयर इंपॉर्टेंट है। चलो बैटिंग सेक्शन से देखते हैं कुछ एडजस्ट करके। तो यहाँ से आप एल वॉलवर्ट को ड्रॉप करके, और अगर आप के मैक के साथ जाओगे तो आपके पास मतलब बॉलिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आप पिक कर सकते हो। तो आप यहाँ से भाई आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से मतलब जो तीनों बेस्ट बॉलर है वो भी आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से सी कोर्टे और पूनम यादव, और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ए वेलिंगटन, तीनों आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन भाई एल वॉलवार्ट को हमें ड्रॉप करना पड़ा, ये चीज़ आप जरूर रखना। और बात करें टी मैग्राथ की तो देखो मैंने आपको क्लियरली बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, इसको आप जरूर ट्राई कर लेना। और ये भाई इनके पॉइंट्स देख रहे हो ना, इस मैच का रिजल्ट नहीं निकला है, सिर्फ मतलब कुछ एक इनिंग के कुछ 15-16 ओवर हुए थे तो इनका रिजल्ट नहीं आया, तो अभी हम कुछ भी इस मैच के बारे में बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर बात करें कैप्टन मेरा यहाँ पर टीम एग्राथ रहने वाली है, और वॉइस कैप्टन की बात करें तो जी हैरिस को बना सकते हो, और अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल जाना है ना तो आप जी रेड मैन को बना सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि ओपनिंग में आएगी और भाई लास्ट मैच में भी इन्फॉर्म है और काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस करके दे सकती है। और यहाँ पर बात करें अगर एन एंकॉक की तो एन एंकॉक को आप ट्राई कर लेना, अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में ट्राई करना चाहो तो, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने, तो आप ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आपको आप यार ट्राई करने में दिक्कत आने वाली है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट इशू काफ़ी ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखो इस मैच में भाई 33% सिलेक्शन था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लास्ट मैच में तो यार मतलब काफ़ी ठीक ठाक सिलेक्शन हो गया था क्योंकि इस मैच में विकेट निकाल लिए थे इसने, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भाई मेरी टीम होने वाली है, अब कैप्टन वॉइस कैप्टन मैंने आपको बता दिया, सेफ कैप्टन वॉइस कैप्टन यहाँ पर आपके लिए टीम मैग्राथ और जी हैरिस होने वाली है, आप चाहो तो आप इन्हें रिवर्स भी कर सकते हो। और अगर बात करें भाई यहाँ पर प्रीव्यू की तो आप देख सकते हो ये हमारी टीम का प्रीव्यू है, तो इस टीम से भाई आप अभी है ना कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लो, और भाई मॉर्निंग में है ना आप 4:30 के अलार्म सेट कर लो, क्योंकि भाई मॉर्निंग में आपको उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर भाई आप नींद में नहीं उठ सकते मॉर्निंग में तो भाई मैच स्किप करने में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। वरना जो बात मैंने स्टार्टिंग बताई थी कि आपको मतलब ऐसे प्रॉफिट मिलता है कि कभी मतलब काफ़ी बंदे उठ नहीं पाते, तो वो प्रॉफिट भाई लोगों को मिल जाएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर नहीं उठ सकते तो कॉन्टेस्ट ज्वाइन बिल्कुल मत करना, और हाँ अगर उठ सकते हो तो बेस्ट मैच आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये आप कर सकते हो। साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।